हेलो एवरीवन, वेलकम टू फार्मानोलॉजी। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सम स्पेशल प्रॉब्लम्स विच आर एसोसिएटेड विद पाउडर डिस्पेंसिंग, जैसे कि आपका हाइग्रोस्कोपिक एंड डेलिक्विसन पाउडर्स, एफ्लोरिसन पाउडर्स एंड यूटेक्टिक मिक्सचर्स। सो दिस आर द टर्म्स जो आपको आए दिन आपको फार्मास्यूटिक्स के फील्ड में आपको सुनाई दिया जाएगा, बट मेनी स्टूडेंट्स दे टेंड टू फॉरगेट द मीनिंग और दे गेट कन्फ्यूज विद द टर्म्स। सो इन दिस वीडियो, सिंस वी आर कवरिंग अकॉर्डिंग टू बी फार्म फर्स्ट सेमेस्टर सिलेबस, सो हम लोग सिर्फ उस टर्मिनोलॉजीज को जानने की कोशिश करेंगे एंड उनके साथ एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स और उसको कैसे कवर कर सकते हैं, ठीक है। सो आप जब हायर क्लासेस में जाओगे, बेसिकली इन फिजिकल फार्मास्यूटिक्स, यू विल अंडरस्टैंड दिस टर्मिनोलॉजीज इन डिटेल। स्पेशली योर यूटेक्टिक मिक्सचर इज एन इंपॉर्टेंट टॉपिक इन फिजिकल फार्मास्यूटिक्स, वेयर यू विल अंडरस्टैंड अबाउट द डिग्री ऑफ फ्रीडम एंड व्हाट आर द वेज इन विच द कॉम्बिनेशन कैन वर्क एज यूटेक्टिक मिक्सचर्स। ऑल दोस थिंग्स यू विल अंडरस्टैंड इन हायर क्लासेस। सो डियर स्टूडेंट्स, द फर्स्ट वन दैट इज योर हाइग्रोस्कोपिक एंड डेलिक्विसन पाउडर्स। तो होता क्या है आपका हाइग्रोस्कोपिक एंड डेलिक्विसन पाउडर्स? सो हाइग्रोस्कोपिक पाउडर्स मतलब आपका कुछ पाउडर्स ऐसे होते हैं, कुछ सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं जो आप मॉइस्चर जब एटमोसफेयर में खुला रखते हो तो वो एटमोसफेयर से मॉइस्चर एब्जॉर्ब करने लगता है। यू आर अवेयर राइट कि आपका एटमोसफेयर में मॉइस्चर रहता है हवा के साथ, सो उस मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करके एब्जॉर्ब करता है। सो सच काइंड ऑफ सब्सटेंसेज आर नोन एज योर हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंसेज। और कुछ सब्सटेंसेस ऐसे भी होते हैं जो आपका जो एब्जॉर्प्शन है एटमॉस्फेयर से इतना ज़्यादा एब्जॉर्ब करते हैं कि दे टेंड टू लिक्विफाई, मतलब आपका वो मेल्ट करने लगता है। तो सच काइंड ऑफ सब्सटेंसेस आर नोन एज डेलिक्विसन सब्सटेंसेस। एग्जांपल के तौर पे आपका अमोनियम साइट्रेट हो गया, पेप्सिन हो गया, फेनोबारबिटन हो गया। सो दिस आर सम ऑफ द एग्जांपल्स, यू कैन रिमेंबर द नेम। सो ये सब एक प्रॉब्लम है इन पाउडर डिस्पेंसिंग। सो इसको ओवरकम कैसे करेंगे या फिर इसको डील कैसे करेंगे? सो क्या कर सकते हैं? पहला चीज़ है आपका जो पाउडर हाइग्रोस्कोपिक या डेलिक्विसन सब्सटेंसेस है उनको हम लोग ग्रैनुलर फॉर्म में, वी कैन डिस्पेंस देम इन ग्रैनुलर फॉर्म। सो इन ग्रैनुलर फॉर्म ऑब्वियसली दे विल हैव लेस सर्फेस एरिया बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन साइज कम्पेयर टू योर पाउडर्ड पार्टिकल्स। सो उसके वजह से आपका दिस प्रॉब्लम कैन बी टैकल्ड। उसके अलावा और क्या कर सकते हैं इन सब सब्सटेंसेस के लिए? वी कैन डू डबल रैपिंग। डबल रैपिंग के वजह से वी कैन प्रिवेंट द एक्सपोजर टू द एटमॉस्फेयर, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द एयर विल बी eliminated and this problem can be solved. The next one that is your efflorescent powders. So efflorescent powders आपका क्या होता है? जो आपका crystalline substance आपने सुना होगा। So crystalline substances में आपका क्या रहता है? Water of crystallization या फिर water of hydration, those are similar terms. So क्या होता है आपका crystalline substances में water molecules रहता है। So those crystalline substances जब आपका humid atmosphere में expose किया जाता है या फिर during trituration, तो वो water आपका liberate करने लगता है। सो वो वाटर छोड़ने की वजह से वो सब्सटेंसेस क्या होता है, क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस या क्रिस्टलाइन पाउडर्स, दे टेंड टू बिकम स्टिकी या पेस्ट लाइक पेस्ट जैसा बनने लगता है या फिर दे इवन बिकम वेट और दे स्टार्ट मेल्टिंग। सो सच काइंड ऑफ सब्सटेंसेस आर नोन एज योर एफ्लोरेसेंट सब्सटेंसेस और एफ्लोरेसेंट पाउडर्स। एग्जाम्पल के तौर पर आपका हो गया कैफीन, फिर साइट्रिक एसिड, फेरस सल्फेट एक्सेट्रा। ओके, सो ये प्रॉब्लम हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं? सो इस केस में हम लोग वी कैन गो फॉर एन अल्टरनेटिव एनहाइड्रस सॉल्ट। ओके, बाय यूजिंग आइदर एनहाइड्रस सॉल्ट कर सकते हैं या फिर वो जो आपका इफ्लोरेसेंट पाउडर्स है, इफ्लोरेसेंट पाउडर्स के साथ आप कुछ इनर्ट सब्सटेंस ऐड कर सकते हैं। सो इनर्ट सब्सटेंस के ऐड करने की वजह से बिफोर इनकॉर्पोरेटिंग अदर सब्सटेंस दिस प्रॉब्लम ऑफ मेल्टिंग और आई मीन लिक्विफाइंग और बिकमिंग वेट दैट कैन बी टैकल्ड। सो दिस कैन बी अ गुड ऑप्शन। नेक्स्ट है आपका यूटेक्टिक मिक्सचर्स। सो यूटेक्टिक मिक्सचर में क्या होता है आपका, इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपोनेंट्स। यहाँ पे आपका आइदर टू कंपोनेंट्स हो सकते हैं या फिर उससे ज़्यादा कंपोनेंट होता है। सो हम लोग जब दो या उससे ज़्यादा कंपोनेंट्स यूटेक्टिक मिक्सचर के मिक्स करते हैं तो वो जनरली आपका नया कंपाउंड फॉर्म नहीं करते, बट एक दूसरे का जो व्हेन दे आर मिक्स टुगेदर एक स्पेसिफिक प्रोपोर्शन में, ऐसे नहीं कि आप किसी भी एक कंपोजिशन मिक्स कर दो, वैसा नहीं है। यू हैव टू मिक्स इट इन अ प्रॉपर पार्टिकुलर प्रोपोर्शन एंड जब उसको उस प्रोपोर्शन में मिक्स करते हो सो दे टेंड टू लिक्विफाई, आपका जो मिक्सचर है वो लिक्विफाई होने लगता है ड्यू टू द रिडक्शन इन देयर मेल्टिंग पॉइंट। उनका मेल्टिंग पॉइंट के रिडक्शन की वजह से वो मेल्ट होने लगता है एंड वैसा जो मिक्सचर होता है जो कंपोजिशन में आप मिक्स करते हो उसको बोलते हैं हम लोग यूटेक्टिक मिक्सचर। एंड इस टेम्परेचर को हम लोग बोलते हैं यूटेक्टिक पॉइंट टेम्परेचर। एग्जाम्पल के तौर पे आपका हो गया मेंथोल, थाइमोल, कैम्फोर, फिनॉल। सो ये सब का मिक्सचर को हम लोग बोलते हैं यूटेक्टिक मिक्सचर। सो इस केस में हम लोग क्या कर सकते हैं,
वी कैन डिस्पेंस द मिक्सचर जो आपका कंपोजिशन था, मान लीजिए आपका ए एंड बी था, तो ए को सेपरेटली दे सकते हैं, बी को सेपरेटली दे सकते हैं वाइल डिस्पेंसिंग इंस्टेड ऑफ मिक्सिंग दम। तो एक सेपरेट डोज के हिसाब से आपने डिस्पेंस कर दिया, जिसके वजह से जो मिक्सचर बनना था वो नहीं बनेगा एंड जिसके वजह से आपका लिक्विफाई या मेल्ट होने का इशू नहीं आएगा। उसके अलावा और एक चीज़ कर सकते हैं, उस मिक्सचर को हम लोग एक इनर्ट एब्जॉर्बेंट के साथ ऐड कर दे सकते हैं, मतलब यूटेक्टिक सब्सटेंस के साथ आपका इनर्ट एब्जॉर्बेंट ऐड कर देंगे, जिसके वजह से ये प्रॉब्लम नहीं आएगा मेल्टिंग का, लिक्विफैक्शन का प्रॉब्लम नहीं आएगा, लिक्विफाई नहीं होगा। सो डियर स्टूडेंट्स, दैट वाज ऑल अबाउट योर हाइग्रोस्कोपिक डेलिक्विसन पाउडर्स, एफ्लोरिसन पाउडर्स एंड यूटेक्टिक मिक्सचर्स। आई होप दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर यू। अगर इसके अलावा आपको कोई भी डाउट हो रिलेटेड टू दिस, यू कैन पुट डाउन इन द कॉमेंट सेक्शन, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट। सो फॉर मोर सच वीडियोज यू कैन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। We will be coming up with more related videos, especially pharmaceutics. Thank you so much.